Hello everyone, welcome to the YouTube channel StudyX and this is your maths tutor Ankit Raj. आज का हमारा टॉपिक है pseudo quadratic equation. Okay, so let's get started. Pseudo का क्या मतलब होता है? Fake. Okay, pseudo means fake. Okay, ठीक है ना? तो what is a pseudo quadratic equation? A pseudo quadratic equation, बिल्कुल मैंने book's definition लिखा रखा है. A pseudo quadratic equation is an equation that can be transformed into a quadratic equation using an appropriate substitution. देखिए pseudo quadratic equation क्या है? एक नकाब पोज पर पहना हुआ इंसान है, ठीक ना? वही हमें नकाब उसका उतारना है. हम उसका नकाब कैसे उतारेंगे? कुछ appropriate substitution यूज करके, ठीक है ना? मैंने बिल्कुल pseudo quadratic equation के जितने भी varieties हैं मैंने कवर कर रखे हैं, कवर करूंगा आज. ओके, 6-7 क्वेश्चन जो भी है बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं. तो पहला, इवेलुएट द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 6 प्लस रूट अंदर है नेस्टेड रेडिकल, इनफाइनाइटली नेस्टेड रेडिकल है. ओके, ठीक है ना? तो आप इसको ट्राई कीजिए. वैसे मैंने बिल्कुल बेसिक मैथ्स के लेक्चर 1 में ही करा रखा है, आप पहले अटेम्प्ट करें. ये एक्चुअली देखिए क्वाड्रेटिक की तरह नहीं दिख रहा है, ठीक ना? लेकिन हम कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक की तरह दिखने लगेगा. ओके, बिल्कुल जो इसके 6-7 वैरायटी हैं, 6-7 टाइप हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा आज, ठीक है? तो पहला टाइप है, इसको इसकी वैल्यू निकालनी है ना, ये तो बिल्कुल क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है, लेकिन देखिए क्वाड्रेटिक दिखेगा. आप इसको मान लो टी. ओके, आप इसको टी मान लीजिए. अब क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो. तो इस साइड क्या होगा, जब स्क्वायरिंग करोगे तो एक रेडिकल उड़ जाएगा. तो 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस इनफाइनाइट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड टी स्क्वायर. ओके, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए ये फिर से क्या जनरेट हो गया, टी ही. तो हम कह सकते हैं टी स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड गया तो माइनस टी माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना? तो अब बताइए टी की वैल्यू क्या होगी. आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहते हैं तो उससे सॉल्व करें, लेकिन आपको लगे कि नहीं मुझे डायरेक्ट फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है तो उससे सॉल्व कर लीजिए. तो टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2t माइनस 6 इक्वल्स टू 0. तो टी इंटू टी माइनस 3 प्लस 2t माइनस 3 इक्वल्स टू 0. इसे सॉल्यूशन क्या आ गया, या तो टी इक्वल्स टू माइनस 2 या फिर 3. ठीक है, अच्छा बताइए रूट अंडर के जो भी वैल्यू यील्ड करेगा, क्या कभी ये नेगेटिव वैल्यू यील्ड करता है? नहीं, ठीक ना? मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि रूट अंडर 9 का मतलब होता है केवल 3, माइनस 3 नहीं प्लस 3. हाँ, अब आपको लग रहा हो कि अगर x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है तो इसका सॉल्यूशन तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 होता है, ठीक ना? वो इसलिए क्योंकि x इक्वल्स टू, अगर x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है ना, इसका मतलब है x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर 9, ठीक है? ये क्लियर है ना आपको? ओके, तो ये माइनस 2 को आपको रिजेक्ट करना होगा, 3 हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हुआ. ओके, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, लॉग इन्वॉल्व करता हुआ. आप लॉग के क्वेश्चंस करना, ठीक ना? लॉग के चाहिए एडवांस के मेरे वीडियोस आप देखना, उसमें मैंने करा रखा है, ठीक ना? या फिर आप इनफाइनाइटली नेस्टेड रेडिकल का ही पहला लेक्चर देखना, उसमें भी मैंने करा रखा है. तो आपको देखिएगा एक इनफाइनाइटली नेस्टेड रेडिकल का क्वेश्चन मिलेगा एडवांस में. तो जो बिल्कुल आईआईटी जेई में आए हुए हैं या फिर आने की प्रोबेबिलिटी है आईआईटी जेई में, वही सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं. तो ये आप नोट करें, इसके बाद और थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं. ओके, आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें. ये भी दिखने में तो बाई क्वाड्रेटिक है, फिर हम कुछ जुगाड़ लगाएंगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ठीक है ना? मुझे सॉल्व करना है इक्वेशन x into x plus 1. Equals to 8, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, x को x plus 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और x plus 1 को x plus 2 से. क्यों? देखिए क्या क्रिएट होगा, x square plus 3x, और इससे क्रिएट होगा x square plus 3x plus 2. अगर मैं x square plus 3x को यहाँ पे t एज्यूम कर लूँ तो t into t plus 2 equals to 8 आएगा, ठीक है ना? तो t into t plus 2 equals to 8. तो पहले तो मैं पूरे अच्छे से लिख देता हूँ, x square plus 3x into x square plus 3x plus 2 equals to 8, ठीक है ना? अब मैंने t एज्यूम किया x square plus 3x को, तो t into t plus 2 यानी t square plus 2t माइनस 8 इक्वल्स टू 0. इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 प्लस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अंडर रूट 36 अपॉन 2 यानी माइनस 2
प्लस माइनस सिक्स अपॉन टू तो आ जाएगा माइनस फोर कॉमा टू। सोल्यूशन इसके क्या है, माइनस फोर और टू। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, या तो माइनस फोर होगा या तो टू होगा, क्लियर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो जब होगा, क्योंकि जब माइनस फोर होगा तो एक क्वाड्रेटिक हमें सॉल्व करना होगा। इसका डी देखिए क्या है, नाइन माइनस सिक्सटीन यानी माइनस सेवन नेगेटिव, तो हम कह सकते हैं नो रियल सॉल्यूशन। ओके, और जब एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो होगा तो एक्स आ जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, माइनस थ्री प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस एट अपॉन टू, यानी माइनस थ्री प्लस माइनस रूट सेवेंटीन अपॉन टू, ठीक है ना। नोट कर लीजिए सॉल्यूशन, फिर हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप पहले सॉल्यूशन नोट कर लें। ओके अगले क्वेश्चन में क्या कीजिए, तो आपको दिख रहा है आपको फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स को टी अज्यूम कर लीजिए, ठीक। तो क्या बनेगा, रूट अंडर टी प्लस एट माइनस रूट अंडर टी माइनस सेवन इक्वल्स टू वन, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, ठीक है। तो इसे क्या होगा, ये टी प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा, टी प्लस एट प्लस टी माइनस सेवन यानी टू टी प्लस वन, ओके, माइनस टू रूट टी प्लस एट इंटू टी माइनस सेवन, जो कि क्या हो जाएगा टी स्क्वायर एट टी माइनस सेवेंटी प्लस टी माइनस फिफ्टी सिक्स, ओके, इक्वल्स टू वन, ठीक है। ये वन वन कैंसिल आउट हो गए, तो क्या हो गया, ये टू टू इक्वल्स टू जीरो बचा, तो ये टू टू को भी कैंसिल आउट कर दो, तो टी इक्वल्स टू, तो क्या है, टी इक्वल्स टू रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस टी माइनस फिफ्टी सिक्स, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आया टी स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस टी माइनस फिफ्टी सिक्स। इसे क्या आ गया, टी माइनस फिफ्टी सिक्स इक्वल्स टू जीरो, या फिर आप कह सकते हैं टी इक्वल्स टू फिफ्टी सिक्स, ओके। तो यानी फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स आया फिफ्टी सिक्स, तो देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन ये होगा। तो आप फिफ्टी सिक्स प्लस एट सिक्सटी फोर यानी रूट अंडर सिक्सटी फोर एट माइनस या फोर्टी नाइन बनेगा, तो सेवन वन, ठीक है। तो लेकिन ये टी की वैल्यू है, आपको एक्स की वैल्यू तो निकालनी ही होगी, तो फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस फिफ्टी सिक्स इक्वल्स टू जीरो करो, तो फाइव एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस फोर्टीन एक्स माइनस फिफ्टी सिक्स इक्वल्स टू जीरो, तो फाइव एक्स इंटू एक्स माइनस फोर प्लस फोर्टीन एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। इससे एक्स क्या आ गया, या तो फोर हो सकता है एक्स, या फिर एक्स इक्वल्स टू माइनस फाइव बाई फोर्टीन, ठीक है। दो सॉल्यूशन आ गए, ठीक है। आप नोट करो, दो तीन क्वेश्चन और है वो करा लेते हैं, ठीक है। आप ये नोट करो सॉल्यूशन, अच्छे क्वेश्चन थे दोनों, बिल्कुल स्टैंडर्ड, ओके। इसे आप सॉल्व करें, फिर बाय क्वाड्रेटिक आ गया, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक में, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो भी मैंने कराया उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, क्योंकि इसका जो सब्स्टिट्यूशन है ना वो आसानी से नहीं पकड़ में, ठीक है। लेकिन एक बार मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा ना, फिर आप कर लोगे, ठीक है। आप अभी खुद से अटेम्प्ट करो, कोशिश करो दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर तो आसान है, क्वेश्चन नंबर फोर काफी आसान है। देखिए इसमें आप क्या करें, टू की पावर एक्स को टी एज्यूम करें, तो फोर की पावर एक्स क्या है, ओके। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये इक्वल्स टू होता है टू की पावर टू एक्स, या फिर कहें टू की पावर एक्स का होल स्क्वायर, बात बराबर है, क्योंकि ए की पावर एम की होल पावर एन क्या होता है, ए की पावर एम एन, ठीक है। तो इसको मैं टी का स्क्वायर कर सकता हूं, तो इक्वेशन क्या बना, टी स्क्वायर माइनस फाइव टी प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो। फैक्टराइज ही करो, टी स्क्वायर माइनस फोर टी माइनस टी प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो। इसे सॉल्यूशन आ गया क्या, टी इक्वल्स टू फोर और टी इक्वल्स टू वन, टी इक्वल्स टू वन और टी इक्वल्स टू फोर। तो टी क्या है, टू की पावर एक्स, तो टू की पावर एक्स या तो वन होगा या तो टू की पावर एक्स फोर होगा, तो टू की पावर एक्स इक्वल्स टू वन को हम क्या लिख सकते हैं, टू की पावर जीरो, दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू जीरो, और फोर को हम क्या लिखेंगे, टू की पावर टू, दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू टू।
इसके दो सॉल्यूशन आए, एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स इक्वल्स टू टू, क्या नोट डाउन कर लें। फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पॉज करके बिल्कुल ढंग से आप अटेम्प्ट करें, ठीक है, आपने नोट करा। इसका जो सब्स्टिट्यूशन है ना वो पकड़ में नहीं आता है अच्छे से। इसमें देखिए हम सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, हम एक्स को ना टी प्लस थ्री रख रहे होंगे, एक्स को टी प्लस थ्री, ठीक है, मार्कर में इंक भर लेता हूं। ओके, आप एक्स को टी प्लस थ्री एज्यूम कर लें। इसे देखिए, मुझे ये टी प्लस थ्री पुट करने का कारण क्या था, देखिए ये क्या बनेगा टी प्लस टू और ये क्या बनेगा टी माइनस टू, ठीक है, आपको इंस्टेंट कोई फायदा नहीं लग रहा होगा लेकिन आगे देखिए क्या होता है। तो एक टी प्लस टू बनेगा, तो टी प्लस टू का पावर फोर, या फिर हम कहें टी प्लस टू का होल स्क्वायर का पावर टू, प्लस ये क्या बनेगा टी प्लस थ्री माइनस फाइव, यानी ये बनेगा टी माइनस टू, यानी मैं कह सकता हूं टी माइनस टू का पावर टू का होल पावर टू इक्वल्स टू 82। देखिए आप गेम थोड़ा सा क्लियर हुआ, इसको आप पहले लिखिए, तो ये हुआ टी स्क्वायर प्लस फोर प्लस 40, ओके, का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बना टी स्क्वायर प्लस फोर माइनस 40 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 82। अब देखिए टी स्क्वायर प्लस फोर को आप ए मान ली, इसको बी, ट्रीट इट एज ए एंड ट्रीट 40 एज बी, ओके, इसे क्या हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू ए बी और माइनस टू ए बी अपने में निपट लिया, तो क्या बन रहा टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यही अप्लाई कीजिए, तो दिस इक्वल्स टू टू इंटू टी स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर, यानी टी की पावर फोर प्लस टी स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर, तो टी की पावर फोर प्लस 16 प्लस 80 स्क्वायर, ओके, ठीक है ना, प्लस 40 का होल स्क्वायर यानी 16 टी स्क्वायर इक्वल्स टू 82। ओके क्लियर है, टू से मैंने कट करा तो 41 हुआ, ठीक है बना टी की पावर फोर प्लस 24 टी स्क्वायर प्लस 16, तो आप 41 सब्ट्रैक्ट करोगे इस साइड तो क्या बनेगा माइनस 25 इक्वल्स टू 0, ठीक है, अभी भी ये बाय क्वाड्रेटिक है, ठीक है, इसको हम क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जब एक क्यूबिक वाला टर्म होता तब मेरे लिए हेडेक था, लेकिन अगर पावर थ्री वाला टर्म नहीं है तब मेरे लिए हेडेक नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए मैं क्वाड्रेटिक कैसे बनाता हूँ, टी की पावर फोर, अब तो ऐसे फैक्टराइजेशन करते थे ना क्लास 8th 9th में, प्लस 25 टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0, तो टी स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो टी स्क्वायर प्लस 25 माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू 0, मुझे रियल रूट चाहिए, तो ये क्या बनेगा टी स्क्वायर माइनस 1, तो एक सॉल्यूशन आएगा टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और दूसरा टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 25, तो इससे तो नो रियल रूट्स, ओके क्लियर है ना, क्योंकि टी स्क्वायर क्या निगेटिव हो सकता है, नहीं वास्तविकता में तो नहीं, कल्पना में भले हो सकता है, ठीक है, आयोटा वायोटा वगैरह आएंगे, अब जब टी स्क्वायर इक्वल्स टू वन आया तो टी इक्वल्स टू प्लस माइनस वन, टी इक्वल्स टू क्या आ गया प्लस माइनस वन और टी है एक्स क्या है टी प्लस थ्री, तो एक्स इक्वल्स टू थ्री प्लस माइनस वन, यानी या तो फोर या तो टू, पुट करो टू, तो टू माइनस वन का होल पावर फोर वन प्लस टू माइनस फाइव माइनस थ्री का होल पावर फोर यानी 81, 81 प्लस वन 82, टू करेक्ट, फोर फोर माइनस वन थ्री का होल पावर फोर 81 और 4 माइनस 5 माइनस 1 का होल पावर 4 यानी 1, तो क्या हो गया 82, यानी 4 और 2 इसके सॉल्यूशन है, ठीक है, दो इससे इमेजिनरी रूट्स आएंगे और ऑब्वियस था बाय क्वाड्रेटिक है तो चार रूट्स आएंगे, दो रियल दो इमेजिनरी आ रहा है, ठीक है, ओके, तो हमने स्यूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट था अच्छे से आप क्वेश्चन का वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, अब कुछ आईआईटी जेई के क्वेश्चन है, ये दोनों शायद आईटीजी 1978 के ही क्वेश्चन है, ये सब कोई 97 का होगा या थोड़ा बहुत अभी लेटेस्ट का नहीं, सारे मैंने पुराने क्वेश्चंस ले रखे हैं इसलिए कि क्योंकि जो नए क्वेश्चन है वो तो मैं जेई एडवांस जब डिस्कस कर रहा हूँ तब तो करूंगा ही, तो पुराने क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं स्यूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के।
स्यूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अब देखें, चारों में से कोई भी अभी क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है। ओके, क्या मैंने बताया था, स्यूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस नकाबपोश पहना हुआ इंसान, उसका नकाब उतार लेना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर वन, 4 की पावर x, क्या कह रहा है, 4 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस हाफ इक्वल्स टू 3 की पावर x प्लस हाफ माइनस 2 की पावर 2x माइनस 1 है। ओके, 2 की पावर 2x माइनस 1, ठीक है ना। अच्छा, जो 2 की पावर 2x माइनस 1 है, इसको मैं 4 की पावर x माइनस हाफ भी लिख सकता हूं, इसको मैं 4 की पावर x माइनस हाफ लिख सकता हूं ना, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, इसको इस साइड ले आइए, तो क्या बना, 4 की पावर x प्लस 4 की पावर x माइनस हाफ इक्वल्स टू 3 की पावर x प्लस हाफ प्लस 3 की पावर x माइनस हाफ। ओके, m माइनस n होता है, इसको हम क्या लिखते हैं, a की पावर m अपॉन a की पावर n, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 4 की पावर x प्लस 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर 1/2 यानी √4 जो कि इक्वल्स टू 2। तो ये हो जाएगा 3 की पावर x इंटू 3 की पावर हाफ यानी √3 प्लस 3 की पावर x अपॉन √3 इस बार हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर x कॉमन ले लो तो हो जाएगा 3/2, और ये 3 की पावर x कॉमन लोगे तो √3 + 1/√3 यानी 3 + 1 4/√3, क्लियर है ना। ओके, ये 4 जब कटेगा इधर से, इस 4 को इधर लेते आओ, इस 3 को इधर लेते जाओ, कूल। तो ये 4 की पावर x अपॉन 4 इंटू, इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 की पावर क्या लिखोगे, 2 को 4 की पावर हाफ इक्वल्स टू ये 3 की पावर x, ये 4 तो इधर ही आ गया, अब ये 3 जो है 3 इधर गया, ठीक ना, डिवाइड में इनटू 3 की पावर हाफ, तो ये क्या हो गया, 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 और माइनस हाफ यानी x माइनस 3/2 इक्वल्स टू 3 की पावर x माइनस 1 माइनस हाफ यानी x माइनस 3/2, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, 4 की पावर x माइनस 3/2 इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको मैंने इधर डिवाइड करा तो ये 4/3 की पावर समथिंग है इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब ये पावर क्या रहा होगा, 0/2 इक्वल्स टू 0, तो x क्या हो गया, 3/2, ठीक है ना। ये तो वैसे स्यूडो क्वाड्रेटिक नहीं था, स्यूडो लीनियर क्या है या कुछ अलग क्या है, स्यूडो क्वाड्रेटिक बिल्कुल स्टैंडर्ड स्यूडो क्वाड्रेटिक तो नहीं था, क्वाड्रेटिक कहीं भी फॉर्म नहीं हो रहा था, लेकिन यहीं पे ये क्वेश्चन डिस्कस करना जरूरी था क्योंकि 2 की पावर 2x वगैरह ये सब भी हम यहीं करते हैं डिस्कस, इसलिए ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया। सॉल्व फॉर x, ठीक है, आप पहले ये नोट डाउन कर लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिए ये मैंने करा रखा है, ठीक है ना, स्क्वायरिंग कर दीजिए, मैंने आपको बता रखा है स्क्वायरिंग ही करना है। तो x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहा, ठीक है, x को आप उधर ले जाओ या 1 को ही इधर ले आओ, इक्वल्स टू स्क्वायरिंग कर दो फिर से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, 4x स्क्वायर निपट लिए। ओके, तो इस 4x को अगर उधर ले गए तो 4x इक्वल्स टू 5, तो x क्या आ गया, 5/4, तो 5/4 प्लस 1 9/4 यानी √9/4 क्या हो जाता है, 3/2, क्लियर, 3/2 माइनस रूट अंडर 5/4 माइनस 1, 1/4 का रूट अंडर 1/2, तो 3/2 माइनस हाफ तो 1 होता है ये, ठीक ना, कि हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है। देखिए कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते टाइम हमें 3 बातों का ख्याल रखना होता है, पहला डोमेन, ओके, इस फंक्शन जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्यूशन उसके डोमेन में है कि नहीं, दूसरा कभी कभी हम कैंसिलेशन के टाइम ना हम लॉस ऑफ रूट हो जाता है, ओके, कुछ रूट हम खो देते हैं, ख्याल रखना होता है। फिर एक होता है एक्स्ट्रा रूट,
कई बार हम सॉल्व करते हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा रूट्स आ जाते हैं जो कि एक्चुअली सॉल्यूशन नहीं होते हैं, ठीक ना, उनका भी हमें ख्याल करना होता है। तो तीन पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, आप ये नोट कर लें, रखना है कि जो सॉल्यूशन है वो डोमेन में है कि नहीं, कहीं हमने कहीं कुछ काटते पीटते हमने लॉस ऑफ रूट्स तो नहीं कर दिया, या फिर कहीं मेरे कुछ एक्स्ट्रा रूट्स तो नहीं आ गए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, अगर मैं एक झटके में, अगर कुछ लोग आंसर देंगे ना, कुछ लोग काफी जल्दबाजी में रहते हैं, पता नहीं कुछ लोग क्या आंसर लाते हैं पता है, देखिए वो क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको देखते हैं कि अगर ये वन हो गया तो पांच पांच दस हो ही रहा है, तो करते हैं डायरेक्ट इफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल्स टू वन तो क्या हो रहा होगा, 5 + 2√6 + 5 - 2√6 तो ये 10 हो रहा होगा, तो आंसर क्या दे देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल्स टू वन, जिससे आ जाता है एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस टू, ठीक ना, और बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन आंसर गलत है। ये आईटी जी का क्वेश्चन है, ठीक ना, तो आईटी जी में इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं देगा, ठीक ना, तो आईटी जी तो इतना आसान क्वेश्चन नहीं देगा। अच्छा आप ये सोचिए, अगर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ये दोनों सही हैं, रूट सही है, लेकिन इसके और रूट सही है। अब देखिए, जब एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस वन हो रहा हो तब क्या सीन क्रिएट, 5 + 2√6 का पावर माइनस वन प्लस 5 - 2√6 का पावर माइनस वन इक्वल्स टू 10। आप जानते हैं प्लस 2√6 इनटू 5 - 2√6 क्या होता है, देख लीजिए 25 - 24 वन, तो 5 + 2√6 क्या है, 1/5 - 2√6, ओके 1/5 - 2√6 का पावर माइनस वन, यानी ये हो गया 5 - 2√6 प्लस 5 - 2√6 का पावर माइनस वन, यानी 1/5 - 2√6 + 2√6। देखिए अब भी 10 आया कि नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस वन से क्या आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टू, यानी एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट टू, तो हमारे ये चार सॉल्यूशन है, ओके। देखिए ये तरीका तो ठीक है, मैंने आपको बताने के लिए समझाया, असली तरीका क्या है ना कि आप इसको टी मान, तो ये 1/t हो जाएगा, तो टी प्लस 1/t इक्वल्स टू 10, और फिर ऐसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, ठीक ना, कर लोगे आप, आई होप, ठीक है, रब कर दे करे दे, ओके ठीक है, रब करे देता हूं। क्वेश्चन नंबर फोर, ये आईडी जी 1997 का क्वेश्चन है, ये 78 का था, ये भी 78 का था, ये मुझे याद नहीं आ रहा है, 90s का ही होगा शायद, ये 85 आई गेस, हाँ 85 का क्वेश्चन है वो, 85, ओके। ये क्वेश्चन क्या करना है, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस 2√x2 - 1, इस साइड स्क्वायरिंग किया तो 4x - 1, तो क्या हो गया 2x, क्योंकि ये 2x से 2x कटा, माइनस वन 2√x2 - 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो आप, तो 4x2 - 4 इक्वल्स टू 4x2 + 1 - 4x, ठीक है, 4x2 निपट, तो -4x क्या आ गया, -5, ठीक है, माइनस माइनस मैंने कट पिट लिया, तो x इक्वल्स टू 5/4, ठीक है, मैंने आपको पॉइंट्स बता रखे हैं कि आपको एक डोमेन का ख्याल रखना होता है, फिर आपको ख्याल रखना होता है कि सिस्टम कहीं हमने कैंसिल कर दिया है रूट्स को तो नहीं दिए, और फिर कहीं हमने, ठीक ना, कहीं हमने कोई एक्स्ट्रा रूट तो नहीं लिया है, तो डोमेन में देख लेते हैं, डोमेन तो सेटिस्फाई कर रहा है, कर डोमेन सेटिस्फाई कर रहा है, ओके, हमने कहीं वैसा कैंसिलेशन भी नहीं किया, होल पावर कहीं हटा दिया है, ठीक ना, वो भी नहीं किया, ये तो मैंने ऐड सब्ट्रैक्शन किया है, फिर कर ले, एक ही रूट आया, देख लेते हैं सेटिस्फाई होता है कि नहीं, कि ये सेटिस्फाई होता भी है कि नहीं, 5/4 + 1 का रूट अंडर 3/2 माइनस, ये क्या होगा 5/4 - 1 यानी 1/4 यानी 1/2, ओके, रूट अंडर 1/4 1/2, रूट अंडर 5 - 1 √4, इससे क्या आ रहा है 1 और इससे क्या आ रहा है 2, तो 5/4 भी सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन आया, ओके, और वो भी नहीं है सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो 0, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल नोटिफिकेशन बजा दें ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए, ओके, देन स्टडी एक्स के साथ बने रहिए, एंजॉय लाइफ, हैव अ गुड।